हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज देखते हैं भैया मैक्रोस होते क्या, व्हाट वी कॉल इट एज अ मैक्रो। अगर आपको मैक्रो समझना है अच्छी तरीके से, तो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा भी पढ़ा होगा फंक्शंस के बारे में, तो वो एकदम एक दूसरे के भाई लगते हैं भाई। मैक्रो और सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन, हायर लेवल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो हम फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन का काम और मैक्रो का काम एक जैसा है। मतलब क्या, अगर आपका एक प्रोग्राम है उसके अंदर एक सेट ऑफ लाइंस है, ये मेरे ऐसे कुछ सेट ऑफ लाइंस है जो कि मुझे कई बार यूज करने पड़ेंगे, रिपीटेडली आई हैव टू यूज दिस लाइंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन पूरे के पूरे लाइंस को एक नाम दे देता हूँ, बराबर है कि नहीं। एक नाम के अंदर उसे क्या कर देता हूँ, एनकैप्सुलेट कर देता हूँ, एंड ये जो नाम है समझ लो कोई तो एक्स, तो उसको सिर्फ मैं एक्स को बार बार कॉल करता रहूंगा। जितनी भी मार मुझे जहां जहां पे ये सेट ऑफ लाइंस लगेंगे, मतलब ये सेट ऑफ लाइंस 100 लाइंस हो सकती है, 200 लाइन हो सकती है, कितनी भी बड़ी लाइंस हो सकती हैं, अगर ये 100-200 लाइन मेरी बार बार रिपीट होने वाली है, तो उससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, उसको एक नाम दे देता हूँ। उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये मैक्रो एक्स है, ये क्या है मेरा मैक्रो एक्स। और फिर उस मैक्रो के नाम से बार बार मैं इन सेट ऑफ लाइंस को वापस वापस कॉल करते रहूंगा और वो एक्सपांड होते रहेंगे। तो अभी ये डिफाइन कैसे करना है, मैक्रो को कॉल कैसे करना है, और ये मैक्रो एक्सपांड कैसे होते हैं, ये अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिक समझ में आ गया मैक्रो का। मैक्रो मतलब क्या, एक तरीके से आप वो जो भी सेट ऑफ लाइंस है जो कि बार बार मेरे आगे कोड में रिपीट होने वाली है, उनकी मुझे जरूरत लगने वाली है, तो उन सेट ऑफ लाइंस को आप क्या कर दो, एक मैक्रो नाम दे दो, और उस मैक्रो नाम से आप बार बार क्या करो, उन सेट ऑफ लाइंस को कॉल करते जाओ। समझ में आया कि नहीं। सो देयरफॉर आपकी जो मेमोरी लगने वाली है आपके प्रोग्राम को, ऑब्वियसली वो कितनी लगेगी, कम मेमोरी लगेगी, ठीक है। तो यहां तक तो आपको मैक्रो का फंडा समझ में आ गया। मैक्रो इज जस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट यू कैन से एज अ फंक्शंस, जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी यहां पे अभी हम लोग आते हैं डिफाइनिंग। अभी मुझे सबसे पहले तो एक मैक्रो को डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं मैक्रो को डिफाइन कैसे करूंगा, दिस इज माय स्टार्ट लाइन। मैं हमेशा मैक्रो की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करता हूं विद द नेम मैक्रो इटसेल्फ। तो ये कीवर्ड है मैक्रो। अब ये क्या है, कैरी, cat is nothing but the name to my macro। जैसे यहाँ पे मैंने macro का नाम x दिया था, यहाँ पे मैंने macro का नाम क्या दिया है, cal, cal। और cal के बाद ये जो ampersand p दिख रहा है, this is nothing but the parameter that I'm passing। जैसे function को parameter pass करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो macro है जिसका नाम cal है, उसको मैंने parameter pass किया as a ampersand p, ठीक है। और ये जो आपको दो चीजें दिख रही हैं, ये दो लाइन दिख रही है ना, दीज आर द लाइंस जो कि फ्रीक्वेंटली अकर होने वाली है मेरे प्रोग्राम में, इसीलिए मैंने उनको एनकैप्सुलेट कर दिया इनटू वन मैक्रो। और फाइनली एम एंड क्या होता है, एम एंड इज नथिंग बट माय एंड ऑफ द मैक्रो। ये इंडिकेट क्या करता है कि भैया यहां पर मैक्रो मेरा खत्म होता है। रिमेंबर वन थिंग, देर इज ओनली वन डिफरेंस दैट वी कैन फाइंड, और विजुअली यू नो आप सोच सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन अ मैक्रो एंड अ फंक्शन, कि मैक्रो कैनॉट रिटर्न अ वैल्यू। जैसे कि फंक्शन में आप रिटर्न कीवर्ड यूज करके कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी टू जस्ट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मैक्रो, ओके। तो यहाँ पे आपका मैक्रो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने मैक्रो डिफाइन किया है, ऑब्वियसली आपको उस मैक्रो को कॉल करना पड़ेगा। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में कोई भी फंक्शन को अगर डिक्लेयर करते हो, ओके, फिर डिफाइन करते हो, तो आपको अगर उसकी फंक्शनलिटी यूज करनी है तो उसको आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे कॉल करना पड़ता है। उसी तरीके से मैं अपने मैक्रो को भी यहाँ पे कॉल करूंगा। कैसे करते हैं कॉल, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। आपको सिर्फ उस मैक्रो का नाम लिखना है जो कि कैल है, और उसको जो पैरामीटर पास करना है वो लिखना है एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या है, इट इज माय एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो एक्चुअल पैरामीटर है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो जो एक्चुअल पैरामीटर है वो इस एम्परसेंड पी की जगह ले लेगा, एंड दिस इज द वे यू कैन कॉल। और यहाँ पे जितने पैरामीटर होंगे उस हिसाब से आप उतने पैरामीटर यहाँ पे सेंड कर सकते हो, सिमिलर फैशन ऑफ फंक्शंस, ओके। तो ये तो समझ में आ गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा था कि जहां पे भी जिस इंस्टेंस पे आपको प्रोग्राम में लगेगा कि मुझे ये सेट ऑफ लाइंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं कॉल करते जाऊंगा बाय यूजिंग जस्ट द नेम ऑफ द मैक्रो। अभी मुझे क्या करना है, एक बार मैंने कॉल कर दिया तो अभी ये मैक्रो एक्सपांड कैसे होगा, बराबर है कि नहीं। मतलब ये मैक्रो जो है मेरा, ये एक्सपांड कैसे होगा, तो वो अभी हम लोग देखते हैं एक्सपांशन ऑफ मैक्रो में। तो समझ लो ये मेरा लाइन है, लाइन ऑफ कॉलिंग, ओके। तो ये लाइन मेरा प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है, कितने भी लाइंस के पहले हो सकता है, कितने भी लाइंस के बाद हो सकता है। सो समझ लो ये मेरा एक कोड है, ओके, ये कोड है, और इसके अंदर मैंने एक मैक्रो को कॉल किया, तो ये एक्सपांड कैसे होगा, तो ये एक्सपांड कुछ इस तरीके से होगा, बराबर। कितनी भी लाइन इसके ऊपर हो सकती है, कितनी भी लाइन इसके नीचे हो सकती है, और ठीक बीच में इसको जगह, मतलब ये जो कॉलिंग का स्टेटमेंट है इसकी जगह पे मेरा पूरा का पूरा जो मैक्रो का डेफिनेशन है वो पूरा एक्सपांड हो जाएगा। कहां से एक्सपांड होता है, इट एक्सपांड्स फ्रॉम द नेम टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन दैट, टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर एम एंड। तो वैसे ही हुआ,
यहां से लेके बिफोर एम एंड तक मेरा पूरा एक्सपांड हो गया, तो वहां पे क्या होगा कैल एक्स। तो जैसे मैंने कहा था कि एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम परसेंट ऑफ पी, और जहां जहां पे एम परसेंट ऑफ पी दिख रहा है वहां वहां पे आप एक्स डाल दो, जो कि मेरा एक्चुअल पैरामीटर है जो कि मैंने सेंड किया था थ्रू द कॉलिंग व्हाइल आई वाज कॉलिंग द मैक्रो कैल। तो यहां पे मेरा क्या हो गया, सब कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया। अब मैं यहां पे इसे एग्जीक्यूट करूंगा और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आगे वाली लाइंस में यूज कर सकता हूं, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे मैं जो भी उसका रिजल्ट जनरेट होगा वो आगे वाले जो मेरे लाइंस हैं उस कोड में वहां पे मैं यूज कर सकता हूं। तो एक तरीके से हमने क्या देखा इस वीडियो में कि भैया मैक्रो क्या होती है, मैक्रो की जरूरत क्या होती है, मैक्रो को डिफाइन कैसे किया जाता है, फिर उसे कॉल कैसे किया जाता है, कॉल करने के बाद आखिर मेरा मैक्रो एक्सपांड कैसे होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके किसी काम आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके एग्जाम में कहीं थोड़ी सी भी मैंने मदद कर दी होगी इस वीडियो के थ्रू, तो आप भी मेरी मदद कर दीजिए बाय डूइंग दोस थ्री मैजिकल थिंग्स। कौन कौन सी वो मैजिकल चीज है जो सिर्फ आप कर सकते हो और बिल्कुल फ्री है, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो अभी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।